नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग केवानी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कुछ भी कहो यार अमन, कहने की तो 100 बातें हैं, पर यार तेरी शादी के 10 साल बाद भी भाभी की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी खूबसूरती में दिन ब दिन और इजाफा होता जा रहा है। मैं अपने दोस्त दिलशाद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अरे यार अमन, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि अगर भाभी की कोई छोटी बहन हो तो मुझसे मिलवा दे, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरा दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, तू अब भी बाज नहीं आया दिलशाद, शर्म कर, तेरे अब 2 बच्चे भी हैं, लगता है भाभी से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। मैंने हंसते हुए अपने दोस्त दिलशाद से कहा, मेरा नाम अमन है, मैं यूपी के अलीगढ़ शहर का रहने वाला हूँ और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, मगर शादी के 10 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मगर मुझे इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बीवी लाइबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आज मेरी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने आज के दिन अपने ख़ास दोस्तों को इनवाइट किया है। दिलशाद मेरा सबसे ख़ास दोस्त है, जो इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार है। मेरी शादी भी बहुत अजीब हालातों में हुई थी। लाइबा मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आई थी, उसकी मेरी ज़िंदगी में आने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, या फिर यूँ कहा जाए कि एक बहुत बड़ी घटना। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूबरू हुए हैं जो हैरान कर देने वाले और नाकाबिले यकीन थे। आज मैं आप सबको यही सुनाना चाहता हूँ, मेरे साथ बीती एक ऐसी दास्तान जिसने मुझे यह पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि हमारे साथ साथ एक और मखलूक भी हमारे साथ रहती है, जो बिल्कुल हमारे जैसी है, मगर उनकी ताकत हमसे थोड़ी ज़्यादा। यह बात 1994 की है, जब मेरी उम्र करीब 26 या 27 साल की होगी। मैं अपने शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। जून का महीना था, गर्मी अपने सबाब पर थी। हमारे यूपी में जून के महीने में गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है और मेरे एग्ज़ाम अभी अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए थे। मेरे सारे दोस्त ज़्यादातर बाहर के ही रहने वाले थे। हम सब दोस्तों का एक ग्रुप था, जिसमें मेरे 3 दोस्त बहुत ही खास थे, दिलशाद, शाहिल और सिकंदर। दिलशाद और साहिल पंजाब के रहने वाले थे और सिकंदर दिल्ली का। वह तीनों हॉस्टल में ही रहते थे और मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला था। घर में मेरे माँ बाप के अलावा सिर्फ मेरी एक छोटी बहन थी, जो मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और मेरी माँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। अलीगढ़ में ही हमारी एक छोटी सी कोठी थी, पर वह हमारे लिए बहुत ही बड़ी थी। हम अपने घर में कुल 4 ही मेंबर थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। तो मैं कह रहा था कि हमारे एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए थे और गर्मी अपने सबाब पर थी। हम चारों दोस्त शाम के वक्त एक गार्डन में बतिया रहे थे, तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार अमन, गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ यार दिलशाद, पिछले साल इन दिनों अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मुझे लगता है अमन यह गर्मी अभी और बढ़ेगी और हमें पागल कर देगी। तभी हमारा दोस्त सिकंदर हमसे बोला, यार चलो कहीं एक हफ्ते के लिए कहीं घूम कर आते हैं। सिकंदर की बात सुनकर हम तीनों की आंखों में चमक आ गई। मैंने अपने तीनों दोस्तों से कहा, यार सिकंदर बात तो सही है, ये ख्याल हमारे दिल में पहले क्यों नहीं आया। सच तो यह है कि सिकंदर की बात सुनकर हम चारों दोस्त खुश हो गए थे। नौजवानी की उम्र थी और उस वक्त घूमना फिरना किसी अच्छा नहीं लगता था। फिर कुछ देर के बाद मैंने सिकंदर से कहा, बात तो तेरी सही है यार, लेकिन हमें जाना कहाँ चाहिए। मेरी बात सुनकर दिलशाद ने मुझसे कहा, यार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है हमें किसी ठंडे हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, जहाँ पर हमें इस गर्मी से राहत मिल जाए। उसकी बात सुन मैं खुश होते हुए कहा, कसम से यार मज़ा आ जाएगा, तेरी बात बिल्कुल सही है, हमें किसी ठंडे हिल स्टेशन पर ही जाना चाहिए। लेकिन कहाँ, हम चारों में प्लानिंग बनने लगी। सबने अपने अपने अलग अलग मशवरे पेश करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा हमें नैनीताल चलना चाहिए,
किसी ने कहा कश्मीर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर बर्फ का भी मज़ा ले लेंगे। तो किसी ने कहीं कुछ और जगह का नाम लिया। तभी शाहिल ने हम सब लोगों को बीच में ही बोलने से रोक दिया, मेरी मानो तो हम लोगों को मनाली जाना चाहिए। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और वहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान भी है। मेरे वहाँ पर बहुत दूर के रिश्तेदार भी रहते हैं। अगर हम मनाली जाएंगे तो हमारा होटल का खर्चा बच जाएगा। हम सब दोस्त साहिल की तरफ देखने लगे। फिर कुछ देर बाद मैंने साहिल से कहा, क्या सच में तेरे मनाली में रिश्तेदार हैं या तू हमसे फेंक रहा है? नहीं यार, वाकई में मेरे वहाँ पर जान पहचान वाले हैं। उनके एक या दो मकान पहाड़ों के वादियों में वहाँ पर हमेशा खाली रहते हैं। मैं इससे पहले भी मनाली जा चुका हूँ। यकीन मानो, हमें वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वह प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना सही रहेगा। उसकी यह बात सुनकर हम तीनों दोस्त चौंक गए और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर मैंने ही बात शुरू की, दिक्कत? कौन सी दिक्कत? अरे कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है यार, बस जो मेरे जान पहचान वाले थे उनके मकान शहर से थोड़ी दूर फासले पर है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंस दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कम से कम वहाँ पर शांति तो होगी। मेरी बात सुनकर शाहिल ने मुझसे कहा, हाँ यह बात तो है, हमें वहाँ पर शांति बहुत मिलेगी और वहाँ का रोड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें यही बात पसंद ना आए कि उनके मकान शहर से थोड़ी दूर फासले पर है। नहीं यार, हमें वहाँ घूमने जाना है और सच तो यह है कि हमें इस गर्मी से राहत चाहिए। मेरी बात सुनकर साहिल खुश हो गया। तो फिर समझ लो बात बन गई है, हमें कल ही वहाँ के लिए रवाना होना चाहिए। मैं आज ही उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगा, तब तक वो लोग अपने मकान की सफाई भी करवा लेंगे। खाने पीने की हमें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जब मैं वहाँ पर गया था तो उन लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। शाहिल की बात सुनकर हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। होते भी क्यों नहीं, मुफ्त में रहने के लिए एक तरह से होटल और मुफ्त का खाना मिल रहा था। और सबसे बड़ी आरामदायक बात हमारे लिए यह थी कि हमें कुछ दिन के लिए इस गर्मी से राहत मिलने वाली थी, जो हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बहुत खुश हो गया था। कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे ही अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, जिसका एहसास हमें बाद में होता है। दूसरे दिन हम चारों दोस्त तैयार हो चुके थे। मेरे पास मेरी खुद की कार थी। हम चारों बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग करना भी जानते थे, इसलिए सफ़र का मसला भी हल हो गया। मेरे घर वालों ने भी खुशी खुशी हमें जाने की इजाज़त दे दी। रुपये और पैसों का भी कोई खास मसला ना था, क्योंकि हम चारों बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रांग फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और हम सब लोग खुशी खुशी मनाली के लिए रवाना हो गए। सफ़र बहुत लंबा था। अलीगढ़ से मनाली तक के लिए हम लोगों को कार से ही सफ़र करना था। यह 1994 की बात है, इसलिए उस वक्त रोड बहुत अच्छी हालत में नहीं होती थी आज की तरह। आज जो सफ़र हम लोग 6 या 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं, उस वक्त वही सफ़र कम से कम 10 या 12 घंटे में पूरा हो पाता था। अलीगढ़ से लेकर मनाली तक हम लोग सभी जगह थोड़ा रुकते हुए इंजॉय करते हुए पहुँचे। चारों ओर पहाड़ों की वादियों को मैं बड़ी हैरत से देख रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी मनाली नहीं आया था। मैं किसी भी पहाड़ी इलाके में अब तक नहीं गया था। मुझे पहली ही बार में मनाली बहुत खूबसूरत शहर लगा। दिलशाद आराम आराम से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। करीब 11 बजे हम लोग एक घर में पहुंचे। ये वही घर था जो साहिल के मुताबिक उस घर में रहने वाले लोग उसके दूर के रिश्तेदार थे। साहिल ने सच ही कहा था, उसके रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत वाले थे। उन्होंने हमें बड़े ही प्यार से अपना ड्राइंग रूम में बिठाया और वह हम लोगों के स्टडी के बारे में पूछने लगे। बातों का सिलसिला चल निकला। वो हम तीनों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। बातों ही बातों में साहिल ने अपनी बात उनके सामने रख दी कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आए हैं। फिर वो बोले, हाँ कल शाम को तुम्हारा फ़ोन आया था। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से हम सब लोगों से कहा, वैसे तो मेरे यहाँ पर बहुत से मकान और बहुत से कॉटेज हैं, लेकिन इस वक्त वह सभी फुल हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर तुम लोग देख ही रहे हो कि दूर दूर से लोग गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली आए हुए हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, एक मकान अब भी खाली पड़ा हुआ है। साहिल ने मुझे जब फ़ोन पर बताया था तो मैंने कल रात में ही उस मकान की साफ़ सफाई करवा दी थी।
लेकिन वह मकान यहाँ से थोड़ी दूर के फासले पर एक गांव में है। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो तुम वहाँ पर आराम से ठहर सकते हो, और वैसे भी तुम लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कार है, तो कहीं आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर वह उठकर एक तरफ चल दिए और करीब 5 मिनट के बाद वह एक चाबी लेकर हमारे सामने खड़े हुए थे। चाबी उन्होंने साहिल को थमा दी। साहिल उनकी तरफ देखने लगा। फिर उन्होंने साहिल को उस मकान का पता बताया। साहिल वहां पर इससे पहले भी आ चुका था। साहिल ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो हम लोगों से बोले, वहां मैंने गांव में ही एक खाना बनाने वाले को बोल दिया है, तुम लोगों को चाय की और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब दोस्त उनकी बात सुनकर खुश हो गए। फिर वह हम सब लोगों को बाहर की तरफ बड़ी ही मोहब्बत से छोड़ने आए। चलते वक्त उन्होंने हमसे एक बात खास तौर पर कही, बस एक बात का ख्याल रखना साहिल बेटा, तुम लोग दिन में मनाली की खूबसूरती का मजा लेना, मगर रात होने से पहले वापस आ जाना, और रात के वक्त दरवाजे सही से बंद करके सोना, और रात को बाहर मत निकलना। मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वहाँ रात में अक्सर जंगली जानवर आ जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। हम लोगों ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी, ये कहकर हम लोग वहाँ से चल दिए। थोड़ी ही देर के बाद हम उस गांव में पहुँच चुके थे। वो गांव वाकई में बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, बड़े बड़े पहाड़, उस पर दिलकश मौसम और खुशगवार हवा उस गांव की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दे रही थी। हमारी कार उस मकान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आसपास देखा, वो एक छोटा सा गांव ही था। सारे गांव में बस वही मकान सबसे अच्छा बना था जहां पर हम लोग रुकने वाले थे। सारे गांव वाले हमें ही देख रहे थे। साहिल के पास उस घर की चाबी थी। साहिल ने ताला खोल दिया और हम लोग अंदर चले गए। मैंने देखा घर अंदर से काफी बड़ा था। करीब 6 या 7 बड़े बड़े कमरे बने हुए थे और वहाँ हर जरूरत का सामान पहले ही मौजूद था। किचन भी अच्छा खासा बड़ा था। किचन में एक फ्रिज भी मौजूद था। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो पाया उसके अंदर खाने पीने के तमाम चीजें मौजूद थी। तभी मेरा दोस्त सिकंदर बोला, यार इतनी फैसिलिटीज तो हमें यहाँ कहीं होटल में भी नहीं मिलती। अंकल ने वाकई हमारा दिल जीत लिया, सही कहा तूने। तभी साहिल हम सबको देखकर बोला, मैंने कल फोन कर दिया था, देख नहीं रहे, घर की साफ सफाई भी हो रखी है, मैंने कहा था तुम लोगों से। मैंने मुस्कुराकर साहिल से कहा, सही बात है तेरी, मगर तेरे अंकल ने एक नौकरानी का भी जिक्र किया था, वो कहाँ है? यार कसम से चाय की बहुत तलब महसूस हो रही है। अरे यार वो अभी आ जाएगी, चलो अब कुछ देर लेट कर थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं और मेरे तीनों दोस्त कमरे में जाकर लेट गए। मैं और दिलशाद बेड पर और साहिल और सिकंदर बेड के पास बिछे एक सोफे पर जाकर बैठ गए। सच तो यह है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, मगर अब मुझे चाय की बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही थी। सफर की थकान अब थोड़ी थोड़ी महसूस होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार जब तक यहाँ की नौकरानी नहीं आती तब तक कहीं बाहर जाकर चलो, कहीं चाय पीकर आते हैं, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। मेरे तीनों दोस्त मेरी तरफ देखने लगे। तो फिर मुझसे सिकंदर ने कहा, तुम्हारी बात सही है अमन, क्या कहते हो तुम लोग? उसने हम सब दोस्तों की तरफ देखकर कहा। सबने हाँ में सर हिला दिया। हम लोग बाहर जाने ही वाले थे तभी बाहर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मैं चौक के दरवाजे की तरफ देखा और साहिल की तरफ देख कर बोला, कौन हो सकता है? साहिल ने मेरी तरफ देख कर कहा, अरे यार नौकरानी ही होगी, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद साहिल कमरे में वापस आ गया और हम सब तीनों साहिल को सवालिय नजरों से देखने लगे। साहिल मुझसे आकर कहा, मेरा शक सही निकला, बाहर नौकरानी ही थी। मैंने साहिल से पूछा, तुझे इतनी देर कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं यार, तुम लोगों को चाय की तलब महसूस हो रही थी, मैं इससे चाय ही बनवा रहा था, साहिल का यह कहना ही था। तभी मेरे सामने 40-42 साल की औरत हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी हुई थी। वह हम सब लोगों को मुस्कुराकर देख रही थी। हम सब लोगों ने बारी बारी करके अपने अपने कप उठा लिए। फिर मैंने उस औरत से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वह वहीं की गांव की भाषा में बोली, मेरा नाम सरला है बाबूजी, मैं इस घर के पास में ही रहती हूँ। मुझे मालिक ने बता दिया था कि जब तुम इस घर का दरवाजा खुला हुआ देखो तो समझ जाना कि मेहमान आ गए हैं। लगता है आप लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं बाबूजी। मनाली वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ की खूबसूरती देखने के काबिल है।
मुझे वह पहली ही बार में बहुत ही ज्यादा बातूनी औरत नजर आई, लेकिन थोड़ी दिलचस्प भी लगी। फिर मैं उससे इस गांव के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने लगा और वह बगैर रुके बोले ही जा रही थी। तभी मेरे दोस्त दिलशाद ने मुझे बीच में ही टोक कर कहा, अरे यार, तू यहाँ पर घूमने आया है या किसी की इंक्वायरी करने? तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू सीबीआई वाला हो। मैंने देखा मेरे तीनों दोस्त हंसने लगे और मैं खामोशी से मुस्कुराकर उन सबको देखने लगा। उनकी बात सही थी, मैं जरूरत से ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहा था। फिर सरला ने हम चारों से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए शाम के खाने का इंतजाम करती हूँ, वैसे भी दोपहर तो हो चुकी है। मेरे ख्याल से इस वक्त 4 ही बज रहे होंगे। मैंने उसे टोकते हुए कहा, नहीं खाना, हम बाहर खाकर आएंगे, हमें बाहर घूमने जाना है। मेरी बात सुनकर सरला मुझे बहुत गौर से देखने लगी, क्या आप लोगों को मालिक ने कुछ बताया नहीं? उसकी यह बात सुनकर हम तीनों उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर मैंने ही कुछ देर बाद सरला से कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। बाबूजी, मुझे लगता है आप लोग इस वक्त ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं, आते आते आप लोगों को रात हो जाएगी और यहाँ पर रात में लोग नहीं निकला करते। मैंने हंसते हुए उससे कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या यहाँ पर रात में भूत प्रेत और चुड़ैल होती है क्या? मैंने देखा मेरा यह मजाक सरला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका चेहरा थोड़ा गुस्से वाला हो गया। मगर अगले ही पल मैंने उसके चेहरे पर एक खौफ की लहर देखी, लेकिन अचानक ही उसने अपने आप को संभाल लिया। नहीं बाबूजी, दरअसल यहाँ पर रात में जंगली जानवर बहुत निकलते हैं, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर हादसा होता रहता है। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे थे बाबूजी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर वह वहां से चली गई। हम सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर मैंने साहिल की तरफ देखकर कहा, यह क्या मुसीबत है यार? साहिल ने कंधे उचकाकर कहा, देख भाई अमन, ये होटल नहीं है, यह घर है, और वैसे भी यहाँ पर मुफ्त का ही है सब कुछ यार, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे साहिल की बात भी सही लगी और सल्ला की बात भी सही लगी। वैसे भी 4 तो बज ही चुके थे, थोड़ी ही देर बाद रात हो जाएगी, वैसे भी पहाड़ों में रात जल्दी हुआ करती है, कोई फायदा भी नहीं था। और अब बदन में थोड़ी सी थकान सी महसूस होने लगी थी। फिर मैंने अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखकर कहा, वैसे सरला की बात गलत नहीं है, और वैसे भी हम लोग जब से सफर करके आए हैं तब से हम लोगों ने आराम नहीं किया, हमें आराम की सख्त जरूरत है। मेरी इस बात पर सब लोगों ने सहमति जता दी। दिलशाद भी मुझसे कहने लगा, बात तो तेरी सही है यार, मुझे भी यही लगता है, खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं और सुबह निकलते हैं मनाली की सैर करने के लिए। फिर मैंने सरला को बुलाया और उससे कहा, ठीक है, आप खाना बना लो, हम कल सुबह ही निकलेंगे, आज नहीं। मेरी बात पर सरला खुश हो गई और वहां से चली गई। फिर हम लोगों ने वही किया जो कि हमारा आज का प्रोग्राम तय हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद शाम होना शुरू हो गई और भूख भी हम लोगों को बहुत तेजी से लग रही थी। 6 बजे करीब सरला ने आकर बताया कि खाना तैयार है। खाना बहुत ही ज्यादा लजीज था। हम चारों दोस्तों ने पेट भरकर खाना खाया और फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत जोर से नींद आने लगी। हम चारों दोस्त कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। हमारी आंख सुबह 10 बजे खुली। फिर हम लोग तैयार होकर मनाली की सैर करने के लिए निकल गए। मुझे मनाली बहुत खूबसूरत लगा। हम पूरे दिन घूमे और अंकल के बताए हुए वक्त पर शाम से पहले हम अपने उस घर में आ जाते जो अंकल ने हमें दिया था। ऐसा करते करते 3-4 दिन कब गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। बाहर से आने के बाद हमको खाना तैयार मिला करता था और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि खाना सब हमारी पसंद का ही होता था। वाकई अंकल ने हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। मुसीबत वहाँ शुरू हुई जब 5वें दिन हम चारों दोस्त तैयार हो गए घूमने फिरने के लिए। मगर उस दिन मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी खराब थी। मेरे दोस्त दिलशाद ने मुझसे पूछा, क्या बात है अमन, आज तेरा चेहरा कुछ थोड़ा सा उतरा उतरा लग रहा है। हाँ यार, मुझे थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। सच तो यह है कि आज मेरा घूमने फिरने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मेरा यह बोलना ही था तभी सिकंदर हंसकर मुझसे बोला, लगता है साहब को यहाँ की सर्दी रास नहीं आई। अबे यह क्यों नहीं कहता कि तेरा मूड नहीं है जाने का, बल्कि आराम से यहाँ सोने का है। नहीं यार, वाकई आज मेरा बदन टूट रहा है। एक काम करो, आज तुम तीनों चले जाओ, मेरा आज आराम करने का मूड है। मेरी यह बात सुनकर तीनों दोस्त मुझे देखने लगे। फिर साहिल ने मुझसे कहा, बात तो तेरी ठीक है यार, लेकिन हम लोग तेरे बगैर कैसे जा सकते हैं,
आज हमारा प्रोग्राम तय हुआ था कि हमें मनाली की आज सबसे खूबसूरत जगह पर होकर आना है। हाँ यार, प्रोग्राम तो तय हुआ था, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुझे? क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बदन दर्द और सर दर्द है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं डिस्प्रिन खा लूँगा और लेट जाऊँगा। तुम लोग घूम कर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। मेरे दोस्तों ने बारी बारी करके मुझे गौर से देखा। फिर मेरा दोस्त दिलशाद, जो कि मेरे सबसे करीब था, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। हल्का सा बुखार है, मामूली सा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आज तेरा मूड नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर तू चाहता है कि हम लोग ना जाएं, तेरे साथ ही रहें, तो तू कह सकता है। हम तेरे दोस्त हैं, हमें तेरी फिक्र है। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहा है? मामूली सा बुखार है और सिर दर्द है, आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। वैसे भी 4-5 दिन हमारे पैर कहाँ टिके हैं, थकावट है, दूर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दिलशाद मुस्कुरा दिया। फिर साहिल ने सरला को आवाज़ लगाई। साहिल की आवाज़ लगाने पर सरला भागी भागी कमरे में चली आई। साहिल ने सरला से कहा, आज अमन की तबीयत थोड़ी सी खराब है। यह बात सुनकर सरला मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बदन में दर्द है, मैं टैबलेट ले लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। फिर साहिल ने सरला से कहा, हमारे आने तक आज तुम यहीं रुकना, देखना इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। फिर सरला ने मेरी तरफ देखकर कहा, आप लेट जाइए बाबूजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में काढ़ा भी, जिसे पीने के बाद आप दौड़ने लगोगे। ऐसा होता है बाबूजी, आप लोग गर्मी से यहाँ पर आए हो और आपने अभी आराम भी नहीं किया है, थकावट हो सकती है। आप आज के दिन आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाओगे। सरला की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने अपने तीनों दोस्तों को अलविदा कहा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। मेरे तीनों दोस्त मेरी कार से घूमने के लिए चले गए और मैं अकेला उन्हें देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद सरला चाय लेकर आई। चाय वाकई में सरला ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने एक टैबलेट खा ली। करीब 1 घंटे के बाद मुझे बिल्कुल सही महसूस होने लगा। मैं बिल्कुल फिट महसूस करने लगा। अब मेरा वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं उन लोगों के साथ ही चला जाता। सरला खाना बनाने में लगी हुई थी और मैं इतने बड़े मकान में इधर उधर घूम रहा था। सरला ने मुझे देखकर कहा, बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप तो सही लग रहे हो। हाँ, तुमने सही कहा सरला, अब मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा बदन दर्द है, उस वक्त तबीयत नहीं चाह रही थी जाने की, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे चले जाना चाहिए था। मेरी बात सुनकर सरला मुस्कुरा दी। मगर मेरा यहाँ रुकना शायद मेरी किस्मत में था। कुदरत शायद मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, जिसकी कल्पना भी मैंने ख्वाबों और ख्यालों तक में भी नहीं की थी। करीब दोपहर 12 बजे के बाद सरला मेरे लिए खाना बनाकर ले आई और उस वक्त मुझे भूख भी बहुत ही शिद्दत से लगी हुई थी। मुझे सरला के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खाने से फारिग होने के बाद फिर उसी मकान में इधर उधर टहलने लगा। मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मेरे दोस्तों को आने में अभी कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा, क्यों ना आज इस गांव की सैर करके आया जाए। वैसे भी जब से हम मनाली आए थे और जहां हम रुके हुए थे, हमने उस एरिया को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन इतना तो पता था कि वह गांव बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर बसा हुआ था जहां पर हम इस वक्त रह रहे थे। मैंने बाहर की तरफ देखा तो पाया कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। मैंने अपनी लेदर की जैकेट निकाल कर पहन ली और फिर सरला को आवाज़ लगाई। सरला मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ी दौड़ी आ गई। क्या हुआ बापूजी? सरला, मैं थोड़ी सी चहलकदमी करके आता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी इस जगह के बारे में? मेरी बात सुनकर सरला मुस्कुरा दी। बाबूजी, यह गांव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपका ये गांव घूमने का जी चाह रहा है तो आप चले जाइए, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर नए नए हैं और नए लोग अक्सर यहाँ पर रास्ते में भटक जाते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगी। सरला की बात सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चल निकला। मैं चलता हुआ सबका जायजा लेता हुआ चल रहा था। मैं उस गांव में घूमने लगा। मैं वहां के लोगों को देख रहा था और वहां के लोग मुझे। मैंने महसूस किया कि उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और मोहब्बत वाले मालूम पड़ते थे। मैं घूमते घूमते गाँव से कब बाहर आ गया, इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हुआ।
सच तो यह है कि मेरा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि घर बिल्कुल अकेला था और मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे दिमाग में यही एक ख्याल आया कि थोड़ा और घूम लिया जाए। मैं चलते चलते बहुत आगे की ओर निकल गया। फिर मुझे थकावट का थोड़ा सा एहसास हुआ। अब मुझे लगने लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर निकल आया हूँ। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि वह गांव मुझे बहुत दूर से बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया कि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आया हूँ। पैरों में अब थकावट होने लगी थी। चारों ओर एक खामोशी छाई हुई थी। अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र सामने एक दरख्त पर पड़ी जो बहुत घना था। मैंने सोचा कि वहाँ पर बैठकर उस दरख्त के नीचे 10-15 मिनट आराम करके फिर वापस चला आऊँगा। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस दरख्त के पास जाने लगा, मगर मैंने एक बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि अब मुझे इस बात का एहसास होता है। जैसे जैसे मैं उस दरख्त के करीब जाता जा रहा था, कोहरा चारों तरफ और तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस वक्त थकावट का आलम था कि मैंने इस बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद मैं उस दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया और वहाँ पर जाकर बैठ गया। मुझे वहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझकर टाल दिया। अगले ही पल फिर से मेरे कानों में उसी हंसी की आवाज़ गूंजी। मैंने अब उस आवाज़ पर गौर किया तो पाया कि आवाज़ किसी लड़की की थी और वो दरख्त के पीछे से आ रही थी। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया, मगर एक बार फिर से मेरे कानों में वही हंसी की आवाज़ गूंजी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस आवाज़ का पीछा करता हुआ उस दरख्त के पीछे चला गया। मगर जैसे ही मैं उस दरख्त के पीछे गया तो मुझे सामने वहाँ पर बहुत से पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए। कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए अब मुझे देखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। तभी मेरी नज़र अपने सामने बहुत से पेड़ों में से एक पेड़ पर पड़ी। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उस पेड़ के पास कोई खड़ा है। मैं फुर्ती के साथ उस पेड़ की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही मैं उस पेड़ के नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था और वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा घने पेड़ मौजूद थे। तभी मेरी नज़र एक बहुत ही ज़्यादा घने पेड़ पर पड़ी जिस पर बेशुमार पत्ते लटक रहे थे, जिसकी घनी घनी शाखाएं नीचे की तरफ जमीन को छू रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई वहाँ पर छुपा हुआ है। वो पेड़ इतना घना था कि कोई भी आसानी से उस पेड़ की शाखाओं में छुप सकता था। मेरे कदम खुद ब खुद वहाँ की तरफ बढ़ गए। मेरा शक सही निकला, उस पेड़ के पत्तों के पीछे कोई छुपा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं देखकर दंग रह गया। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दो आँखें मुझे ही देख रही थी। यकीनन वो आँखें किसी लड़की की ही थी। मैं उन आँखों को गौर से देखने लगा, मगर अगले ही पल वह दोनों आँखें गायब हो गई। मैं बड़ी फुर्ती के साथ उन आँखों की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर चौंक गया कि क्या मुझे कोई वहम हुआ था। नहीं, वो वहम नहीं था। किसकी थी वो आँखें, कौन थी वो, और अचानक नज़रों के सामने से ओझल कैसे हो गई। तभी अचानक मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी। मैंने देखा कहीं बहुत दूर धुआं सा उठ रहा था, जो आमतौर पर आग जलाते वक्त उठता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कहीं आग जल रही हो। मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हो गई कि इस वक्त यहाँ पर आग जलाने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कोई आसपास मौजूद है। शायद कोई टूरिस्ट वगैरह होगा जो कैंपिंग करने आया होगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और पता करते हैं कि कौन है वो। यह सोचता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ गया। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई कैंप तो नज़र नहीं आया, मगर अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बस्ती जरूर नज़र आई। मैं अंदर से खुश हो गया और हैरान भी। मेरे दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई और मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस बस्ती के करीब चला गया। मैंने देखा उस बस्ती में आलीशान मकान बने हुए थे। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं सोच में पड़ गया, जिस गांव में मैं ठहरा हुआ हूँ उस गांव के थोड़ी दूर के फासले पर यहाँ पर यह एक खूबसूरत बस्ती भी है। इसके बारे में तो मुझे सरला ने कभी बताया ही नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मनाली पहली बार आया हूँ, हो सकता है मुझे मालूम ना हो। लेकिन फिर अगले ही पल मेरे दिल में यह ख्याल आया,
अंकल ने भी मुझे इस बस्ती के बारे में नहीं बताया। उन्होंने तो यही कहा था कि उनका मकान एक छोटे से गांव में है जो शहर से थोड़ी दूर फासले पर है, मगर इस बस्ती के बारे में तो अंकल ने मुझे बताया ही नहीं जो बस्ती मेरी आंखों के सामने था। मगर एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, मकान तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे मगर थोड़े पुराने दौर के लग रहे थे, आज के ज़माने के मालूम नहीं हो रहे थे। मैं उस बस्ती में घूमने लगा। मैंने देखा कि उस बस्ती के लोगों को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, वो सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। मैं अपनी मस्ती के आलम में बस घूम रहा था, तभी मेरी नज़र मेरी घड़ी पर पड़ी। मैंने देखा कि उस वक्त 5 बज रहे थे। यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, मैं सोच में पड़ गया, यह क्या माजरा है, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं समझ रहा था कि मुश्किल से आधा या 1 घंटा ही हुआ होगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मुझे घर लौटना चाहिए, कल अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आऊँगा। यह सोचकर मैं वापस जाने की ओर मुड़ गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं घर पहुँच चुका था। मैंने देखा कि मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए थे, मगर सरला बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही समय उसने पहला सवाल यही किया, कहाँ चले गए थे बाबूजी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने पूरा गांव छान मारा लेकिन आप तो मुझे कहीं मिले ही नहीं, किधर चले गए थे आप? जानते हो बाबूजी, मैं कितना परेशान हो गई थी, मुझे उसकी फिक्र देखकर थोड़ा अच्छा लगा, मैं बस यहीं कहीं निकल गया था। अरे यहीं कहीं कहाँ निकल गए थे आप? पता है आपको, आपको गए हुए पूरे 5 घंटे हो चुके हैं, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, कहाँ गए थे आप? अरे सरला सांस तो लेने दो। फिर मैंने सरला को एक एक बात तफसील के साथ बता दी और सरला से शिकायत भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि इस गांव के थोड़ी दूर के फासले पर यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बस्ती भी है जहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर सरला हक्का बक्का मुझे देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वह हकलाती हुई आवाज में मुझसे बोली, कौन सी बस्ती बाबूजी? मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, मैंने तो आज तक ऐसी कोई बस्ती के बारे में नहीं सुना जैसा कि आप बता रहे हो। हाँ इतना जरूर पता है कि जिस जगह का नक्शा आपने मुझे बताया है वहाँ उससे आगे सिर्फ घना जंगल है और उससे आगे लोग कभी नहीं जाते क्योंकि वहाँ जंगली जानवर अक्सर लोगों को घायल कर देते हैं या मार देते हैं। उसके आगे घना अंधेरा है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं कि वहाँ पर दिन तक में अंधेरा रहता है। सच तो यह है कि वहाँ उससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर बस्ती देखी है? यह मुमकिन नहीं बाबूजी, नामुमकिन है। मैं सरला से बहस करने लग गया। तो फिर तुम्हें क्या लगता है सरला, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने देखा है। मेरी इस बात पर सरला के चेहरे पर एक खौफ की लहर दौड़ गई। फिर वह मुझसे बोली, बाबूजी मैं सच कहती हूँ, वहाँ पर कोई ऐसी बस्ती मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर कोई इंसान ही नहीं रहता। और आप कह रहे हो कि वहाँ पर आपने एक लड़की की आंखों को देखा जो बहुत खूबसूरत थी? बाबूजी यह मुमकिन नहीं है। मैं सरला की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। सरला का चेहरा देखकर मुझे यह महसूस हो गया था कि वह झूठ नहीं बोल रही, वह मुझसे कुछ छुपा नहीं रही थी। मेरे साथ ही कुछ अजीब हुआ है, मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने सरला से कहा, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है प्लीज़ इसका जिक्र मेरे दोस्तों से मत करना, वह परेशान हो जाएंगे। सरला मेरी बात सुनकर चौंक पड़ी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मेरे दोस्त परेशान हो जाएंगे सरला, तुम प्लीज़ इस बारे में जिक्र मत करना उनसे। सरला ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूँगी, लेकिन अब आप उस जगह पर दोबारा मत जाना, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। यह कहकर सरला वहाँ से चली गई और मेरे लिए सैकड़ों सवाल छोड़ गई। मैं सोच रहा था कि सरला के मुताबिक तो वहाँ पर कोई आसपास बस्ती मौजूद ही नहीं है, कोई इंसान मौजूद ही नहीं, मगर मैंने तो अपनी आंखों से उस खूबसूरत बस्ती को देखा था जहाँ पर बहुत ही आलीशान और बहुत खूबसूरत मकान बने हुए थे और वहाँ पर काफ़ी लोग भी देखे थे जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा था जो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। अगर वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था तो फिर वो कौन थी? मैं टेंशन में जाकर कमरे में एक तरफ बैठ गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर जो कुछ भी हुआ है क्या यह होना चाहिए था या नहीं? जो कुछ भी मेरी इन आँखों ने देखा क्या वह ख्वाब था या हकीकत थी? मगर मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था
कि जो कुछ भी मैंने देखा था वह कोई ख्वाब नहीं, दरअसल एक हकीकत ही थी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मेरे दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अगर सरला की बात अपनी जगह सही थी तो फिर जो कुछ भी मैंने देखा था वह क्या था? सरला की आंखों से साफ साफ महसूस होता था कि वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। मगर एक हकीकत यह भी थी कि जो कुछ भी मैंने देखा था वह भी एक हकीकत थी। माजरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ था क्या। पर एक सच यह भी था कि उन आंखों की खूबसूरती को देखकर मेरे दिल में एक उमंग सी पैदा हो गई थी। मैं एक तरफ यह भी सोच रहा था कि जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो उसका चेहरा कितना हसीन होगा। मैं यह सारी बातें सोच ही रहा था तभी मेरे तीनों दोस्त आ गए और मेरी तबीयत के बारे में पूछा। यार तेरे बगैर हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने उन तीनों दोस्तों के सामने अपनी कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया। मैंने उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सरला भी अपने वादे की पक्की निकली थी। सरला ने भी मेरे दोस्तों को कुछ नहीं बताया। हम सब लोगों ने फिर साथ साथ खाना खाया और एक दूसरे से बात करने लगे। हमें यहाँ पर आए हुए आज पांचवा दिन था। मेरे दोस्त दिलशाद ने मुझे बातों ही बातों में कहा कि यार कब तक और रुकने का इरादा है, मुझे लगता है कि हमें कल परसों यहाँ से निकलना चाहिए। दिलशाद की बात सुनकर मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्तों ने बारी बारी यही बात कही कि हमें अब एक या दो दिन के अंदर यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर मेरा दिमाग और दिल तो कहीं और ही उलझा हुआ था। मैंने फिर अपने दोस्तों से कहा कि नहीं यार, ये जगह बहुत खूबसूरत है और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर 3-4 दिन के लिए और रुक जाना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर मेरे तीनों दोस्त मुस्कुराकर मुझे देखने लगे। फिर दिलशाद ने साहिल से कहा, लगता है अमन साहब का यहाँ पर अच्छी तरह से दिल लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं अमन साहब कि आज हम तीनों दोस्त आपके बगैर चले गए और आपने यहाँ पर किसी गांव की लड़की से दिल लगा लिया हो? मैं दिलशाद की बात सुनकर चौंक पड़ा और चोर भरी नजरों से दिलशाद की तरफ देखने लगा। सच तो यही था कि मैं उन आंखों पर बुरी तरह से फिदा हो चुका था, वो आंखें जो मेरे लिए अभी भी रहस्य बनी हुई थी। मगर मैंने अपने एहसास उन लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिए और हंस कर कहने लगा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मेरे तीनों दोस्त भी मेरी बात पर राजी हो गए। ठीक है, अगर तुम्हारा मन यहाँ पर रुकने का है तो हम 4-5 दिन और रुक जाते हैं। वैसे भी हमारा यहाँ पर खर्चा पानी तो हो ही नहीं रहा, मौसम भी खूबसूरत होता चला जा रहा है। यह सारी बातें करते करते मेरे तीनों दोस्त सो गए, लेकिन मेरी आंखें जग रही थी। मेरा दिल मेरे दिमाग से यही पूछ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने अंदर ही अंदर एक फैसला किया, मुझे कल फिर उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। यही सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन हम सब लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। मेरे तीनों दोस्त नाश्ता करने के बाद तैयार होकर मुझसे बोले, अमन आज कहाँ घूमने का प्रोग्राम है? मगर सच तो यह है कि मुझे आज भी उन लोगों से कोई ना कोई बहाना बनाना था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को ये यकीन दिलाया कि यार कल तुम लोगों के चले जाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने निकल गया था और मैं पैदल बहुत दूर चला था, उसकी वजह से आज मेरे पैरों में दर्द है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग घूम आओ, मैं यहीं रहूँगा। मुझे यहाँ की आबो हवा बहुत पसंद है और यह गांव भी बहुत खूबसूरत है। मेरी इस बात पर मेरे तीनों दोस्त मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे, शायद वह कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी दिलशाद ने आकर मुझसे मजाक में कहा, तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं अमन, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात में जो मैंने कहा था वह बात सही हो? कहीं तू यहाँ पर किसी गांव की लड़की को अपना दिल तो नहीं दे बैठा? मैंने फिर हंसकर उसकी बात को टाल दिया। अरे नहीं यार, वाकई मेरे पैरों में दर्द है। तुम लोग एक काम करो, आज चले जाओ, कल मैं तुम लोगों के साथ जरूर जाऊंगा। आज मुझे और आराम करने दो। मेरे तीनों दोस्त मुझे गौर से देखने लगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन तीनों को मना लिया। वो लोग बड़ी मुश्किल से माने। फिर वो सब घूमने चले गए।
अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक फैसला किया कि मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए। यही सारी बातें सोचकर मैं तैयार हो गया उसी जगह पर जाने के लिए, जो जगह मेरे लिए अब एक रहस्य बन चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने ही वाला था तभी मैंने देखा कि सरला मेरे पीछे पीछे आवाज लगाकर दौड़ी दौड़ी आई। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? आप तो कह रहे थे अपने दोस्तों के सामने कि आपके पैरों में दर्द है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सरला, उस वक्त मेरे पैरों में दर्द था लेकिन अब नहीं है। सरला मुझे घूरने लगी। मैं उसके घूरने के अंदाज से समझ गया कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। फिर सरला ने मुझसे कहा, बाबूजी कहीं आप दोबारा तो उसी जगह नहीं जाने वाले? मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं सरला, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। फिर मैंने सरला को भी यकीन दिला दिया कि मैं वहां पर नहीं जाने वाला। मैं वहां से निकल गया लेकिन सच बात तो यह है कि मैं वहीं पर जाने वाला था, और मैं वहां से पैदल उसी बस्ती की तरफ जाने लगा जो बस्ती कल मैंने अपनी आंखों से देखी थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं उस दरखत के सामने खड़ा था जिसके पीछे मुझे वह दो आंखें दिखाई दी थी। करीब 10 या 15 मिनट तक मैं उसी दरखत को घूरता रहा। सच तो यह है कि मेरा दिल फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। मैं वहां खड़े खड़े यही सब बातें सोच रहा था। मैं यही सोचते सोचते उस दरखत के करीब जाने लगा, और जैसा कि मेरे साथ कल हुआ था हूबहू बिल्कुल ही वैसा ही हुआ। जैसे जैसे मैं उस दरखत के करीब जाता जा रहा था कोहरा और बढ़ता जा रहा था। अब मैं उस दरखत के बिल्कुल करीब खड़ा था और कल की ही तरह चारों तरफ सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। फिर से वही पत्तों की सरसराहट की आवाज ही आ रही थी। हवा आज भी ठंडी ठंडी ही चल रही थी। अगर साफ साफ लफ्जों में कहूँ तो मौसम कल की ही तरह आज भी हूबहू बिल्कुल वैसा ही था। मैं उस दरखत के करीब खड़ा हुआ कुछ सोच ही रहा था तभी मुझे किसी के खिलखिलाने की आवाज आई और मेरा ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। फिर अचानक आवाज एकदम बंद हो गई, मगर कुछ ही लम्हे बीत जाने के बाद फिर से मेरे कानों में वही किसी के खिलखिलाने की आवाज टकराई, मगर इस बार आवाज किसी लड़की की नहीं बल्कि किसी बच्ची की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्ची किसी के साथ खेल रही हो, और मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। जब मैंने कल की तरह आज भी बहुत ज्यादा आवाज पर गौर किया तो पाया कि यह आवाज आज भी दरखत के पीछे से ही आ रही थी, और मैं कल की ही तरह उस दरखत के पीछे चला गया, और कल की ही तरह मेरे सामने सब कुछ वैसे ही मौजूद था जो मैंने कल अपनी आंखों से देखा था। यानी कि सामने बहुत सारे घने घने पेड़ मौजूद थे। मेरा दिमाग फिर से सरला की बातों की तरफ चला गया। सरला ने मुझसे गड़ा गड़ा कर कहा था कि बाबूजी वहां पर किसी भी बस्ती का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है, वहां पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है, वहां पर कोई इंसान नहीं जाता। मैं यह सारी बातें सोच रहा था मगर मेरे सामने तो नजारा ही कुछ अलग था। अचानक मेरे कानों में फिर से उसी बच्ची की खिलखिलाने की आवाज टकराई और मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। फिर मुझसे वह आवाज कुछ दूर होती गई। जब मैंने गौर किया तो वह आवाज मुझे बस्ती की तरफ से आती हुई महसूस हुई। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। मैं सोच रहा था कि बस्ती यहाँ से कुछ फासले पर दूर है, मगर किसी बच्ची की आवाज इतनी साफ साफ कैसे आ सकती है। फिर मेरा ख्याल कल वाली उन खूबसूरत आंखों की तरफ चला गया। सच तो यह है कि मेरा दिल अभी भी उन आंखों की तरफ लगा हुआ था। मैं चाहकर भी उन दोनों खूबसूरत आंखों को भूल नहीं पा रहा था। फिर मेरे साथ वही हुआ जो कल मेरे साथ हुआ था। मुझे फिर बहुत दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया और मैं उस धुएं का पीछा करते करते आगे की ओर जाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे की ओर जा रहा था वैसे वैसे बच्ची की आवाज तेज होती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा था, यानी उस बस्ती के सामने जहां कल मैं खड़ा था। मगर हैरत की बात यह थी कि आवाज आनी अचानक बंद हो गई थी। मैंने इधर उधर बहुत तलाशा मगर मुझे वह बच्ची कहीं भी नजर नहीं आई। मैं कल की ही तरह उस बस्ती में टहलने लगा। सामने बड़े बड़े खूबसूरत मकान बने हुए थे और उसी बस्ती के लोग अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त नजर आ रहे थे, मगर मेरी आंखें किसी और को तलाश रही थी जिसमें मैंने अब तक कामयाबी नहीं पाई थी। फिर मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आया कि वह लड़की जरूर इसी बस्ती की रहने वाली होगी। अचानक मेरे ऊपर उस लड़की का तसव्वुर हावी होने लगा।
मैं यह भी भूल गया कि सरला ने मुझे इस जगह पर आने के लिए सख्ती से मना किया था। मैं यह भी भूल गया कि मैंने कल रात सरला की आंखों में सच्चाई देखी थी। मुझे बस तलाश थी तो सिर्फ उस लड़की की। फिर मैं बस्ती की तरफ घूमने लगा। करीब 10 या 15 मिनट चलने के बाद मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था वह हैरत अंगेज था। मैंने देखा कि सामने एक बहुत ही आलीशान महल टाइप का घर बना हुआ था। इस तरह के घर मैंने राजाओं महाराजाओं की कहानियों किस्सों की तस्वीरों में ही देखे थे। और एक बात गौर करी, वहाँ पर जितने भी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। मानो जैसे कि मैं उनके लिए हुई ही नहीं। मैं उस महल की तरफ बहुत गौर से देख ही रहा था तभी उसी बच्ची की हंसने की आवाज़ फिर से मेरे कानों में टकराई। मगर इस बार आवाज़ कहीं दूर से नहीं बल्कि मेरे पीछे से आई। मैंने फुर्ती से पलटकर जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत छोटी बच्ची खड़ी हुई थी जो मुझे देखकर शरारत से मुस्कुरा रही थी। मगर एक बात मैंने नोट करी, सर्दी कल के मुकाबिल आज थोड़ी ज़्यादा थी। मगर उस बच्ची ने कोई गर्म कपड़ा ना पहना हुआ था। मुझे उस बच्ची को देखकर बड़ी हैरत हुई कि उसे ठंड क्यों नहीं लग रही थी। मैंने देखा वह बच्ची अभी भी मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। फिर मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम है आपका? मगर वो चुप रही, बस मुस्कुराई जा रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम उस दरख्त के पास क्या कर रही थी? मैंने तुम्हारे हंसने की आवाज़ उस दरख्त के पास सुनी थी, मगर जब मैंने देखा तो तुम वहाँ पर नहीं थी। कहाँ चली गई थी तुम? फिर मैंने देखा अचानक वह बच्ची जो कुछ देर पहले मुझे देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने मेरी तरफ अपने पास आने का इशारा किया। मैं उसकी बात को समझ गया, शायद वह मुझसे कान में कुछ कहना चाहती थी। मैं अपने कान उसके होठों के करीब ले आया। उसने बहुत आहिस्ता से मेरे कानों में मुझसे यह अल्फाज कहे, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं उस बच्ची की बात सुनकर हैरानी से उस बच्ची की तरफ देखने लगा जिसने मेरे कानों में यह कहा था कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने देखा वह बच्ची अभी भी गंभीर मुद्रा में खड़ी हुई मुझे देख रही थी। माजरा मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले यह बच्ची मुझे लगातार देखकर मुस्कुराई जा रही थी, मगर अब उसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे कि यह मुझे पसंद नहीं करती। फिर मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करके दोबारा मुस्कुराकर पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया और मुझे यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए था? मुझे तुम इसकी वजह बताओगी? मेरे सवाल पर वह बच्ची फिर से अचानक मुस्कुराने लगी और अब वह मुझे उसी अंदाज में देख रही थी जो कुछ देर पहले देख रही थी। मगर उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसने मेरी तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा किया और वहां से भागने लगी। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ लम्हे बाद मेरी समझ में आया कि उसकी आंखों का इशारा यह था कि उसके पीछे पीछे आओ। मैं बड़ी फुर्ती के साथ फिर उस बच्ची के पीछे पीछे भागने लगा। वह बच्ची बुरी तरह से दौड़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मगर हैरत का आलम यह था कि सारा का सारा माजरा सड़क पर हो रहा था, मगर वहाँ के लोगों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। बच्ची वाकई बहुत ही ज़्यादा फुर्ती से भाग रही थी। भागते भागते कड़ाके की ठंड में मुझे अब पसीना आने लगा था और मेरी सांस फूलने लगी थी, मगर वह बच्ची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वह बच्ची एक जगह आकर रुककर मुझे दोबारा देखने लगी। मेरी नज़र जब सामने वाले नज़ारे पर पड़ी तो मैं हैरत से सामने की ओर देख रहा था। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत आलीशान एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जो बहुत ऊंचा था, जिसकी कल्पना मैंने ख्वाबों ख्यालों तक में भी नहीं की थी। इस तरह के महल के बारे में ना तो मैंने कभी किताबों में पढ़ा था और ना कभी अपनी आँखों से देखा था। सच तो यह है कि मैं उस महल की खूबसूरती और उसकी बनावट अपने अल्फाजों में बयां ही नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा वह बच्ची महल के अंदर की तरफ भागने लगी और मैं भी बगैर कुछ सोचे समझे उस बच्ची के पीछे पीछे भागने लगा। मुझे उस वक्त यह कुछ भी याद ना था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि सच तो यह है कि जो हरकत मैं इस वक्त कर रहा था वह हरकत बिल्कुल पागलपन वाली थी। कोई भी समझदार आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था।
मगर मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था। दौड़ते हुए मैंने उस महल के अंदर प्रवेश कर लिया। जितना खूबसूरत वो बाहर से लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह अंदर से बना हुआ था। मैं चारों तरफ महल की खूबसूरती को देखने लगा और मेरी जुबान से सिर्फ यही अल्फाज निकले कि कितना खूबसूरत महल है, कि अचानक फिर से उसी बच्ची की हंसने की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैंने देखा तो वह दूर खड़ी हुई देखकर मुझे इशारे से बुला रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी, और फिर वह भागने लगी। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़े कमरे के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर घुसा तो वहाँ पर मुझे किसी बच्ची का नामो निशान नहीं मिला। मैं उस कमरे को हैरत से देख रहा था। वह एक बहुत बड़ा हॉलनुमा बड़ा कमरा था, जिसकी खूबसूरती अल्फाजों से बयां करना मुमकिन नहीं है। हर तरफ महंगी महंगी कालीनें, महंगे महंगे मोमबत्तियों से जगमगाते हुए बड़े बड़े झाड़। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उसकी खूबसूरती अपने लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता। तभी मेरी नज़र उस कमरे पर सामने की ओर पड़ी, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। वह पेंटिंग हाथों से बनी हुई मालूम होती थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी, मैं उस पेंटिंग के करीब चला गया और उसे सम्मोहन की अवस्था में देखने लगा। दरअसल उस पेंटिंग को मैं पहचानता था। वह पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दो खूबसूरत आंखों की थी जो कल मैंने उस दरख्त के पीछे देखी थी। मैंने देखा कि उस पेंटिंग में एक बहुत खूबसूरत काला लिबास पहने हुए एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा उसके कपड़े से छुपा हुआ था। सिर्फ उसने अपनी आंखें नहीं छुपाई हुई थी, और उसकी आंखें हूबहू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने कल उस दरख्त के पीछे देखी थी। तभी मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ ही दूरी के फासले पर हकीकत में ही वह लड़की खड़ी हुई थी जो उस पेंटिंग में थी। और जिस लड़की को मैंने कल देखा था, कल मुझे उसकी सिर्फ दो आंखें दिखाई दी थी, मगर आज वह पूरी मुकम्मल मेरे सामने वही काला लिबास पहने हुए खड़ी हुई थी, मगर उसका चेहरा अभी भी छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी जो बेइंतहा खूबसूरत थी। मैं उसे देखते ही सम्मोहन की अवस्था में पहुंच गया और मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मैं यह भूल चुका था कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ था वह जगह किसी और की है। मैं सब कुछ भूल चुका था। मैंने देखा कि वह लड़की मुझे ही गौर से देख रही थी, और ठीक उसके बगल में वह बच्ची खड़ी हुई थी, और ठीक उसके बगल में वही बच्ची खड़ी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। यह सब कुछ नज़ारा चल ही रहा था, तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और उछलकर मैं दूर गिर गया, और मेरा कंधा दर्द से तड़प गया। धक्का बड़ा जोरदार था और मेरे कानों में कड़कड़ाती हुई आवाज़ हुई, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई? जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं आपको बयां नहीं कर सकता, मेरे सामने करीब 15 या 20 फीट लंबा चौड़ा एक बहुत ही भारी भरकम आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी लंबाई इतनी थी कि उसके सामने मैं बच्चा नजर आ रहा था। मेरी सम्मोहन की अवस्था टूट गई और मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने जमीन में पड़े पड़े दोबारा पलटकर उसी लड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मैंने देखा था कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, मगर चेहरा इस कदर खतरनाक था कि मैं बता नहीं सकता। फिर उसने चिल्लाकर दोबारा मुझसे पूछा, कौन है तू, यहाँ कैसे आया, तुझे इस महल में आने की इजाज़त किसने दी, तुझे हमारी बस्ती में आने की इजाज़त किसने दी? यकीनन तू कोई आदमजात है, और आदमजात बहुत ही ज़्यादा मक्कार किस्म के लोग होते हैं। मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। तू यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उसके अल्फाज जैसे ही मेरे कानों में टकराए, मैं हक्का बक्का डरा डरा चारों तरफ देखने लगा। मैं समझ चुका था कि मेरे सामने जो भी खड़ा है वह इंसान तो किसी कीमत पर नहीं है। मैं जिस बस्ती में आ गया हूँ वह दरअसल कुछ और ही है। फिर उसने मेरे सामने एक बहुत लंबी तलवार निकाली और मुझे खा जाने वाली नज़रों से कहा,
तेरे टुकड़े टुकड़े करके इंसानों की बस्ती में लटका दूंगा, ताकि कोई दोबारा यहाँ आने की जरूरत ना करे। मुझे एहसास हो गया कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। तभी मेरे कानों में एक और आवाज गूंजी, रुक जाओ। मैंने पलट कर दूसरी तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही ज्यादा नूरानी शख्स खड़े हुए थे, जिनकी दाढ़ी के साथ साथ पलके भी सफेद थी, मगर वह भी उतने ही लंबे जितना कि लंबा वो था जो मुझे मारने के लिए खड़ा था। फिर वह नूरानी बुजुर्ग बोले, इसे जाने दो, यह नदान है, गलती से यहाँ पर आ गया है, तुम्हें इसे जान से मारने का कोई हक नहीं है। जान लेने का हक सिर्फ परवरदिगारे आलम को है, इसको छोड़ दो। लेकिन जो मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ था वह उनकी बात सुनने को कतई मूड में नहीं था। नहीं, आज तो यह मरेगा। इस आदम जात की हिम्मत कैसे हुई हमारी बस्ती में आने की? हम तो इनकी बस्तियों में नहीं जाते, यह फिर यहाँ पर कैसे आ गया? मैं इसे मार दूंगा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। फिर वह बुजुर्ग जल्लाल में आकर चिल्लाकर बोले, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, इसे छोड़ दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानता है। यह नौजवान तो वापस सही सलामत अपने घर पर जाएगा, लेकिन तू जरूर मरेगा। मैंने देखा कि उनकी बात सुनकर जो मुझे मारने के लिए तलवार लिए हुए खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और ज्यादा उतर आया। वह भी हार मानने के मूड में नहीं था। मैं उन दोनों के बीच में जमीन में अभी पड़ा हुआ था, मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक वह चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हुकूमत बहुत ज्यादा चल गई, अब तुम्हारी हुकूमत खत्म होने का वक्त आ गया है। वैसे भी फैसला आज होकर रहेगा, जो भी ताकतवर होगा वही यहाँ पर हुकूमत करेगा। उसकी यह बात सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर और ज्यादा जलाल आ गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, इस महल से बाहर निकल जाओ नौजवान, यह कुछ नहीं कर सकता, जाओ अपने घर जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं बगैर कुछ कहे वहां से अपनी पूरी ताकत लगा के भागने लगा, और जो मुझे मारने के लिए खड़ा था, मैंने देखा कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। मैं समझ गया कि उन बुजुर्ग की ताकत का असर है। मैं बस वहां से भागी जा रहा था। भागते भागते मैं उस बस्ती में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं उस बस्ती में आया, कुछ देर पहले जब मैं इस बस्ती को छोड़कर गया था, तो मैंने देखा था कि सारे बस्ती वाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर अब वह सब मेरी तरफ देख रहे थे, और उनके चेहरे का रंग और उनका चेहरा तब्दील हो चुका था। सारे बस्ती वाले इतने खतरनाक हो गए थे कि मैं कांप के रह गया। मैं बुरी तरह से भाग रहा था और वह सब लोग मुझे देख रहे थे, जिनमें से कोई मुझे देखकर हंस रहा था तो कोई कह रहा था, पकड़ लो इसे, यह दोबारा यहाँ पर जरूर आएगा। कोई कह रहा था, मार दो इसे, ये कल भी आया था। मैंने देखा अब उस बस्ती में जितने भी लोग थे उनकी लंबाई कम से कम 30-30 फीट की होगी। चेहरे उनके ऐसे हो गए कि बयां नहीं कर सकता, मंजर एक ही पल में बदल चुका था। भागते भागते अचानक मुझे एक ठोकर लगी और मैंने अपने आप को जमीन पर गिरता हुआ महसूस किया। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। सच तो यह है कि मैं उस वक्त बेहोश हो चुका था। मैं कितनी देर बेहोश रहा मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। बस मुझे इतना याद है कि मेरे कानों में मेरे दोस्तों की आवाज गूंज रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे तीनों दोस्त मुझे चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे थे, और उन्हीं आवाजों में से एक आवाज सरला की भी थी। मुझे अब हल्का हल्का होश आता जा रहा था। मैं जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो मैंने खुद को उसी दरखत के नीचे जमीन पर लेटा हुआ पाया। मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, और दूर से मुझे एक रोशनी सी जलती हुई नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि वो रोशनी टॉर्च की थी। मेरे कानों में फिर से मेरे तीनों दोस्तों की आवाज टकराई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन अपनी जुबान को लड़खड़ाते हुए पाया। मैंने देखा कि ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और हवा बहुत ही तेज चल रही थी। रात के इस मौके पर अब मुझे वो मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी मेरे मुंह पर पड़ी और दिलशाद की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, अरे वो रहा अमन। हाँ, मुझे वह दिखाई दिया, वो देखो सामने, शायद वो बेहोश है।
कुछ ही देर के बाद मेरे तीनों दोस्त मेरे सामने मौजूद थे, मगर एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मुझे अपने आसपास बहुत अच्छी खुशबू सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे कोई आसपास बहुत ही ज्यादा खुशबूदार इत्र लगाए हुए कोई मौजूद हो। मैं चारों तरफ देख रहा था, मगर अंधेरे का आलम इतना था कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मेरे दोस्त साहिल ने मुझे कंधा पकड़कर उठाया। अब मेरे हवास वापस आने लगे थे। मैं हक्का बक्का अपने तीनों दोस्तों को देख रहा था। फिर दिलशाद ने मुझसे कहा, तू यहाँ पर कैसे आया अमन? तेरे तो पैरों में दर्द था, तुझे पता है हम कितना परेशान हो गए थे। हम जब शाम को घर पहुंचे और तुझे मौजूद नहीं पाया, तब हमने सरला से पूछा। सरला ने हम लोगों को बताया कि तू यहीं आसपास घूमने के लिए निकल गया है। हमने सारा गांव छान मारा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। फिर सरला ने ही हमें बताया कि कल तू इस जगह पर आया था, तब हम सरला को लेकर यहाँ तक आए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तेरे माँ बाप को क्या जवाब देते? तू यहाँ पर कैसे आया? दिलशाद की लफ्जों में मेरे लिए मोहब्बत भी थी और थोड़ा गुस्सा भी झलक रहा था। तभी सरला ने दिलशाद से कहा, पहले घर चलो बाबूजी, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। आप देख नहीं रहे, चारों तरफ सन्नाटा है। मुझे लगता है कि पहले हम सब लोगों को घर चलना चाहिए। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कंधा देकर उठाया और मैं उनके साथ लड़खड़ा कर चलने लगा। जैसे तैसे मेरे तीनों दोस्त मुझे घर तक लेके आए और मुझे कमरे में लिटा दिया। लेकिन वह खुशबू जो मैंने महसूस की थी, अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आसपास कोई मौजूद हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वह खुशबू आना बंद हो गई। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में साहिल के अंकल आ गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे खैरियत पूछी, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। तुम वहाँ पर करने क्या गए थे? उस जगह पर कोई नहीं रहता बेटा, वहाँ पर कोई दिन के बाद नहीं जाता। वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर हैं जो लोगों को घायल कर देते हैं और बहुत से लोगों को मार भी देते हैं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें किसी जंगली जानवर ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर उन्होंने सरला को गुस्से की नज़रों से देखा और गुस्से भरे अंदाज में सरला से कहा, मैंने तुमसे मना किया था कि इन लोगों को यहाँ इस गांव में ज़्यादा घूमने मत देना, और तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। यह लड़का वहाँ पर कैसे पहुँचा? सरला खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि सरला ने कल की घटना के बारे में अंकल को और दोस्तों को कुछ नहीं बताया था। बस उसने यह बताया था कि मैं उस जगह पर गया था। फिर सरला ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने बाबूजी को कल उस जगह पर जाने के लिए मना किया था। मुझे नहीं पता था कि आज ये फिर वहाँ चले जाएंगे। मैंने बताया था कि वहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं। अगर मुझे बाबूजी का ख्याल नहीं होता तो मैं आपको फ़ोन करके यहाँ नहीं बुलाती। मैं समझ गया कि अंकल को इन्फॉर्मेशन देने वाली सरला ही थी। फिर मेरे दोस्त कमरे में आ गए और मुझसे पूछने लगे, तू वहाँ पर कैसे पहुँचा अमन? वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तू दरख्त के नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था। क्या तुझे कोई चक्कर वगैरह आ गए थे क्या? या किसी जंगली जानवर ने तुझ पर कोई हमला तो नहीं किया? वह मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे। मगर मेरे उन दोस्तों को क्या खबर थी कि मेरे साथ क्या बीता था। शायद अगर मैं उन्हें सच्चाई बता देता तो वह तीनों मेरी बात पर यकीन ही ना करते। मगर मैंने देखा कि सरला मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैं उसके देखने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो कुछ ना कुछ उस जगह के बारे में जरूर जानती थी। मैंने अपने दोस्तों को टाल दिया, नहीं यार, हाँ तुम लोगों की बात सही है, मैं वहाँ पर टहलते टहलते पहुँच गया था। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा थी, शायद मुझे कोई चक्कर वगैरह ही आ गया था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे पैरों में दर्द है। मैं सारी की सारी बात बड़ी ही खूबसूरती से उनसे छुपा गया। हैरत की बात यह हुई कि मेरे तीनों दोस्तों ने मेरी इस बात पर यकीन भी कर लिया। मैंने जब अंकल की ओर देखा तो मैं समझ गया कि अंकल को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह मुझसे कुछ पूछने के मूड में थे, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सबके सामने बात ना करना चाहते हों। फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए सरला से खाना लाने के लिए कहा। अंकल ने और हम सब लोगों ने खाना साथ खाया, मगर मैंने सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए खाया। सच तो यह है कि मेरी भूख अंदर से मर चुकी थी और मैं अभी भी सदमे में था। मैं अभी भी उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। मुझे अभी अंदर से इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी इन आँखों ने जो कुछ भी देखा वह आखिर था क्या।
वह लोग कौन थे जो मुझसे बार बार कह रहे थे कि यह इंसान यहाँ पर दोबारा जरूर आएगा? तो क्या वो सब इंसान नहीं थे? आखिर वह था क्या? मेरा दिमाग और मेरा दिल यह बात सोचते सोचते एक तरह से हार सा गया था। खाना खाने से फारिग होने के बाद अंकल ने कहा कि आज की रात मैं भी यहीं रुकूंगा। माहौल अब सही हो चुका था। मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त थोड़ी देर के बाद खर्राटे मार मार कर सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर किचन की तरफ पानी पीने के लिए चला गया। मैं फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पी रहा था, तभी पीछे से कंधे पर मेरे किसी ने हाथ रखा और मैंने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो सामने अंकल और सरला खड़े थे। वह मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर अंकल ने मुझसे किचन में ही पूछा, मैं जानता हूँ अमन कि तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, और सरला भी अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है मैं इस बात को नहीं जानता। सच तो यह है कि अक्सर उस दरखत के पास जो कोई भी शख्स गया है वह कभी जिंदा नहीं मिला। तुम वहाँ पर हमें जिंदा और सही सलामत मिले, इसका मतलब यह है कि तुम वहाँ से बच के आने वाले पहले इंसान हो। घबराओ मत, मुझे तफसील से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने सारी की सारी तफसील अंकल के सामने रख दी। मैंने देखा कि मैं जैसे जैसे अपने साथ हुई घटना को बता रहा था, अंकल और सरला के चेहरे पर डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। मैंने उन्हें पूरी तहसील बता दी, सब तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अंकल ने थोड़ी देर के बाद मुझसे कहा, सरला ने तुमसे सही कहा था कि उसके आगे कोई जगह नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, पर तुमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि वहाँ पर कोई क्यों नहीं जाता, क्योंकि अक्सर वहाँ लोगों की लाशें मिला करती हैं, इसलिए गांव वालों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया है। न जाने कितने टूरिस्ट भी वहाँ पर घूमने के लिए गए और वह बचकर कभी वापस नहीं आए, लेकिन तुम वहाँ से बचकर वापस आ गए तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक बात और है बेटा कि तुमने उन मखलूकों को अपनी आंखों से देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। मेरी सलाह मानो, कल सुबह ही तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ और भूल कर भी यहाँ पर वापस मत आना। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और मुसीबत में पड़ो। अगर तुम यह सारी बातें अपने दोस्तों के सामने करते तो शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है कि तुम शहर में भी अपने साथ हुई इन घटनाओं के बारे में कहो, वह भी तुम्हारी बात पर यकीन ना करें, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो। मैं और सरला तुम्हारी एक एक लफ्ज़ पर यकीन करते हैं। मुझे अंकल की बात में सच्चाई नजर आई। मैं पूरी रात सो नहीं सका। फिर दूसरे दिन हम सब लोग तैयार होकर एक जगह बैठे थे, तभी अंकल वहाँ पर आ गए और मेरे तीनों दोस्तों से कहा, मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आज शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मैंने उन्हें यहीं पर ठहरने का वादा किया है। देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, तुम लोगों ने एक हफ्ता रुकने की बात कही थी और आज तुम लोगों को एक हफ्ता हो गया। मेरे तीनों दोस्त अंकल की शक्ल देखने लगे। उन्हें शायद अंकल से इस बात की उम्मीद नहीं थी, मगर मैं अच्छी तरह से जानता था कि अंकल ने यह सब बात क्यों कही थी। अगर मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता तो वह हम लोगों को जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते। तभी साहिल ने अंकल से कहा, ठीक है अंकल, हम वैसे भी आज जाने ही वाले थे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारा सामान बिल्कुल तैयार है, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ, हम सब दोस्त तैयार हो गए और सब ने बारी बारी करके अंकल से और सरला से विदा ली। आखिर में मैं अंकल से विदा लेने के लिए आया। अंकल ने मुझे देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बात का तुम्हारे दोस्तों को शायद कुछ बुरा लग गया हो, लेकिन बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। मैंने अंकल से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अंकल कि आपने जो कुछ भी कहा मेरी भलाई के लिए ही कहा है। मैंने देखा सरला मुझे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी। फिर मैंने मुस्कुराते हुए सरला से कहा, कुछ भी कहो सरला, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वाकई तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम बहुत अच्छे इंसान भी हो। मेरी बात सुनकर सरला मुस्कुरा दी। शायद वह हम लोगों के जाने से खुश नहीं थी। एक हफ्ते में वह हम लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। फिर वह मुस्कुराकर बोली, मैं तो आपसे यह भी नहीं कह सकती बाबूजी की दोबारा यहाँ जरूर आइएगा, मगर जो घटना आपने देखी है उससे मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, वह भी सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही, कि बाबूजी दोबारा यहाँ पर मत आइएगा।
मैं सरला की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और हम सब दोस्त अपनी कार में बैठ गए। मगर जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा, मुझे फिर ऐसा लगा कि कार के पीछे वाली सीट्स जो खाली पड़ी थी, फिर से वही खुशबू आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसी खुशबू है, जैसे कि कोई बहुत ही शानदार इत्र लगाकर मेरे आसपास कोई मौजूद हो। मगर मैंने अपने दोस्तों को जाहिर नहीं होने दिया। हम लोग अपने शहर की तरफ चल दिए और मेरे दोनों दोस्त साहिल को छोड़ने लगे। तेरे अंकल ने तो हमें भगा दिया साहिल, तू तो कह रहा था तेरे अंकल बड़े मोहब्बत वाले हैं, हम तो वैसे भी आज चले जाते, साहिल उनकी बात का जवाब दे रहा था। हाँ यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तक मैं अंकल को जानता हूँ अंकल ऐसे नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन मेरे दोनों दोस्त साहिल की बात सुनने के मूड में नहीं थे, वह बातें करते करते साहिल को छेड़ रहे थे। मगर मैं अभी भी किसी और ही दुनिया में था, मैं अभी भी उसी घटना के बारे में सोच रहा था और ऊपर से यह बेहतरीन खुशबू की महक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी।